हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन 16th इलस्ट्रेशन है जिसमें कहता है प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द लिक्विडेटर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ कंपनी व्हिच इज़ वॉलंटरी वाइंड अप. शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुली पेड अप. इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर्स दो तीन दिए हुए हैं. 30,000 फर्स्ट इक्विटी शेयर्स 10 ईच 8 पेड अप, 20,000 सेकेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 5 4 पेड अप. प्रेफरेंस शेयर्स हैव प्रायोरिटी फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स 2,74,900, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 10,900 आर प्रेफरेंशियल एंड क्रेडिटर्स ऑफ 54,000 वर फुली सिक्योर्ड. एन अमाउंट ऑफ 3,74,000 वाज रिलीज बाय सेल ऑफ असेट्स including the sale proceed of the asset charge which with fully secured creditors. अब कहते हैं liquidation expenses 12,000, liquidator remuneration 5% on asset released except belonging to fully secured creditors. ठीक है, मतलब आपने उनको छोड़कर except बोला हुआ है तब उस पर 5% commission देना है. 3% on the amount paid to unsecured creditor except preferential creditor. Preferential creditors को छोड़कर लिक्विडेटर मेड अ कॉल ऑफ रुपी 1 पर शेयर ऑन सेकेंड इक्विटी शेयर. सेकेंड इक्विटी शेयर ये हैं आपके, इस पे 1 रुपये मंगवा लिया क्योंकि 4 पेड अप था, 1 रुपये मंगवा लिया है. कहता है 1.5 पर शेयर फर्स्ट इक्विटी शेयर्स. आपका जो फर्स्ट इक्विटी शेयर है उस पर 1.5 मंगवा लिए हैं. ये आपका फर्स्ट इक्विटी 8 है, इस पर 1.5 मंगवा लिया. फिर उसमें से कहते हैं ऑल दीज अमाउंट्स वर duly received except 1.5 per share on 2000 first equity shares which were forfeited. इस पे आपके 2000 पे वो अमाउंट नहीं आया. तब आपने जो क्वेश्चन इसमें करना है, सबसे पहले तो आपका आएगा असेट रिलीज्ड टू असेट रियलाइज्ड. इसमें देखिए टोटल अमाउंट जो आपको दिए वो है 3,74,000, लेकिन इसमें से अब आपने इसने बोला था कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी यहीं से चार्ज होंगे आपके, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो आपको दिए गए थे वो थे 54,000. तो आपकी जो वैल्यू बाहर आएगी वो आएगी 3,20,000. तो इसका आपने ध्यान रखना है. ठीक है, उसके बाद आपकी जो सेकंड जो कॉल्स हैं वो आप चाहे पहले कर लीजिए. एक सेकेंड कॉल आपकी की हुई है, कॉल्स फ्रॉम सेकेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनसे आप पैसा मंगवा सकते हैं. सेकेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसमें 20,000 शेयर होल्डर्स थे आपके, 1 रुपये आपने मंगवा लिया, टोटल अमाउंट ये बना आपका 20,000. उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है कॉल फ्रॉम फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स. अब फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर पे आपने 30,000 हैं, उनसे 1.5 टोटल बना 45,000. ये आपने पैसा मंगवाया, लेकिन उसने क्या बोला है कि आपको 2000 जो शेयर्स हैं उस पर 1.5 की पेमेंट नहीं हुई है, 3000. तो अमाउंट यहाँ पर बचेगा आपका 42,000. तो एक तो ये आपने करना है. अब लिक्विडेटर रेमोरेशन वो आप निकालेंगे. लिक्विडेटर रेमोरेशन जो आपने कैलकुलेट करनी है, आपके पास जो टोटल अमाउंट दिया हुआ है इसने बोला था 5% देना है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को एडजस्ट करने के बाद. लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जब भी करते हैं आप. तो ये आ जाएगा 16,000. उसके बाद इसने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे बोला हुआ है, उस पर 3% बोला है. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है वो भी हम नीचे देखेंगे कि पेमेंट उनकी पूरी होती या नहीं, क्योंकि इसमें रूल आपको बताया था. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपके पास दिए गए हैं 12,000, और क्रेडिटर पे जो कमीशन दोगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को छोड़कर देनी है. उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो गया, फिर आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर. अब आपके जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की अमाउंट है वो है 10,900. अब एक आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आपके 10,900 आ जाएंगे. उसके बाद जो अगला काम आपने इसमें करना है वो जस्ट आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो आपने कैलकुलेट करने हैं, टोटल है ये 2,74,900. उसमें से माइनस कर दीजिए आप जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से 54,000, और उसमें से माइनस कर दिए 10,900 जो आपके प्रोफेंशियल क्रेडिटर हैं. टोटल अमाउंट आपका निकलेगा ये 2,10,000. उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा बाय प्रोफेंशियल शेयर होल्डर्स. अब जो प्रोफेंशियल शेयर होल्डर्स हैं आपके, वो तो अमाउंट सीधी सीधी आपकी आ जाएगी 1,00,000. तो ये आपका यहाँ आ जाएगा.
अब इसके बाद जो बाकी एडजस्टमेंट करनी है वो आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की एडजस्टमेंट जो है यहाँ पर करनी है। अब वो एडजस्टमेंट कैसे होगी, आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा इन सबको लेस करने के बाद बैलेंस आपका आता है 26,800 मीन्स सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ठीक है, नेट अमाउंट जो आपका बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 26,800 बचेगा। अब आपने करना क्या है कि आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो सब फुली पेड अप हो चुके हैं बस एक को छोड़कर, वो है आपका 28,000 जो आपके पास टोटल अमाउंट यहाँ पर दिया गया, उसमें एक इक्विटी शेयर होल्डर जो है जिसकी पेमेंट अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई है वो है 28,000, उस पर अभी भी 0.5 रहता है। 28,000 मैंने इसलिए लिया है, उसने तो आपको 30,000 दिया हुआ है ये जो आपका फर्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन उस 30,000 में से 2,000 जो है आपके ये फोरफिट हो चुके हैं, तो हमारे पास नेट अमाउंट कितना बचा, 28,000। तो इससे अगर हम पैसे बचाते हैं जो हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर अब आएगा ये बनेगा 14,000, तो 26,000 प्लस 14,000 टोटल अमाउंट अब आपके पास जो बचा है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिस्ट्रीब्यूट के लिए वो है 40,800। अब आपने बनाना है रेशो, तो वो बनेगा आपका पेड अप में, तो पहले तो आपके 40,000 हैं 10 ईच, उसका तो अमाउंट बनेगा आपका पेड अप अमाउंट 4 लाख। उसके बाद जो अगला काम आपने करना है, अगला जो इक्विटी शोल्डर वो है आपके पास 28,000 और ये आपका रहेगा 10 ईच, इसमें आ जाएगा आपका 2,80,000। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने करना है वो है 20,000 और यहाँ पर अमाउंट रहेगा आपका 5 ईच, तो ये अमाउंट बन जाएगा आपका 1 लाख। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो अब जो आप रेशो इनकी बनाएंगे तो वो 20, 14 और 5 रेशो बनेगी इनकी, ये तीनों की, तो ये रेशो बनेगी। अब इस रेशो में अब आपने इस 40,800 को डिवाइड करना है। अब जैसे पहला हम लेते हैं 40,800, इसमें रेशो में 20/39, तो ये आंसर आपका आएगा 20,923। उसके बाद जो अगला आपने करना है 40,800, यहाँ रहेगा 14/39, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी ये सिंपल 14,646, लेकिन इसमें से आपने कुछ पैसा इससे मंगवा लिया था तो 14,000 वहाँ से लेस हो जाएंगे जो मंगवा लिए थे आपने, तो इसका मतलब आपने इसको वापस करने है 646। थर्ड जो आपने करना है सेम 40,800 मल्टीप्लाई 5/39, ये 39 है, 5/39 जब आप करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5,231। अब इसी को आपने यहाँ पर शो कर देना है, यहाँ शो आपकी जो वैल्यूज शो होंगी, पहली तो आएगी 20/20,923, दूसरी आएगी 646, ये आपके इक्विटी शोल्डर्स के नेम आ जाएंगे यहाँ पे जो भी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और लास्ट में 5,231। तो ये आपका यहाँ पर जो टोटल रहेगा वो सिंपल 3,82,000 और 3,82,000। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन है 16th जिसको आपने करना है। इसके बाद जो 19th आपको 17th जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है वो है रिसीवर फ्रॉम डिबेंचर होल्डर। तो यहाँ पर लगभग वैसा ही क्वेश्चन है कि आप एक डिबेंचर होल्डर जो है वो अब एक रिसीवर अपॉइंट करते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो सिंपल वैसे ही आपने पेमेंट करना है, सब कुछ आपको वैसे ही रहेगा। यहाँ पे लिक्विडेटर की जगह आपका नाम आ जाएगा रिसीवर का। तो यहाँ पर क्या होगा कि लिक्विडेटर अकाउंट बनाने से पहले आपको एक डिबेंचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप बनाओगे उसमें सबसे पहले आपने जो डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट है वो वहाँ पर पूरी करनी है, उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर उस पैसे से हमने लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मिल जाएगा टॉपिक आपका, और ये लगभग आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीशन पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।